नमस्कार दोस्तों, आज सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान बनारस में। और मैं से मौजूद हूँ शिवपुर के नुक्कड़ कॉलोनी में। दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो पंडाल बन रहा है उसका कार्य कितना पूरा हुआ है, इस समय कार्य की क्या वर्तमान स्थिति पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो चले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों को बैक करो, पूरा पंडाल का नजारा दिखाता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसमें शिवपुर के लाल जी कुआं स्थित न्यू कॉलोनी में हूं और यहां पर भी बनता है शिवपुर का सबसे फेमस पंडाल। और दोस्तों को बता दूं कि यहां पर भी इलेक्ट्रिक शो चलाया जाता है और जितनी भी प्रतिमाएं बैठती है सब इलेक्ट्रिक होती है। देख रहे, ये सामने आपका रास्ता है लाल जी का कुआं, सीधे आप चले जाएंगे पांचों पांडवा, देख रहे हैं। और इसी जगह अंदर आपका है न्यू कॉलोनी। और दोस्तों को बता दूं कि सप्तमी से यहाँ पर जबरदस्त भीड़ लगता है। ये देख रहे हैं रोड, यहाँ पर पूरा लाइन लगता है पंडाल मारने के लिए। देखिए ये कॉलोनी देख रहे हैं ना, पूरा एकदम भरा रहता है सप्तमी से लेके आपका नौमी तक। और देखिए ये देख रहे हैं पूरा कॉलोनी है न्यू कॉलोनी, और इसी जगह बन रहा है शिवपुर का सबसे फेमस पंडाल। और इस बार यहाँ का थीम है गुवाहाटी का कामाख्या देवी मंदिर। देख रहे हैं पूरा कामाख्या मंदिर का पूरा बास बलिया द्वारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। और लगभग आपका पूरा स्ट्रक्चर जो कि बास बलिया द्वारा तैयार हो गया है, अब इस पर आपका बीट का कार्य चल रहा है। बीट द्वारा यहाँ पर पूरा जो कि डिजाइन को उघारा जा रहा है और उसके बाद इस पर कपड़ा से पूरा डिजाइन दिया जाएगा। देख रहे हैं पूरा ये आपका मंदिर का शिखर है जो कि पूरा बास बलिया द्वारा बन चुका है। अब इस पर खाली अब बीट लगना बाकी है। और देखिए अभी ये गेट बंद है लेकिन ये सप्तमी से ये वाला भी गेट खुल जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं पार्क के अंदर, और पार्क के अंदर चल के पूरा पंडाल का नज़ारा दिखाता हूँ, पंडाल में कितना कार्य पूरा हुआ है और इस समय क्या कार्य हो रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसमें पार्क के अंदर आ गया हूँ, और आपको बता दूँ कि ये काफ़ी छोटा स्पेस है, काफ़ी छोटे जगह पर यह पंडाल बनाया जाता है लेकिन ज़बरदस्त पंडाल होता है। और देखिए यहाँ पर कार्य आपका काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। और देखिए पंडाल में जाने के लिए दो गेट होते हैं, एक गेट आपका इधर होता है, एक गेट आपका इधर होता है, देख रहे हैं। और देखिए लगभग आपका जो बास बल्ली द्वारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बीट का कार्य चल रहा है, और देखिए अंदर आपका बीट का पूरा कार्य चल रहा है, बीट द्वारा पूरा डिजाइन को बनाया जा रहा है, आपको दिखाता हूँ। तो आइए इधर से चलते हैं हम लोग अंदर पंडाल के। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कारीगर लगे हुए हैं, बीट द्वारा पूरा डिजाइन को बनाया जा रहा है। देख रहे हैं, देखिए ये सब पूरा आपका बीट द्वारा डिजाइन को बनाया जा रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर काम चल रहा है, देख रहे हैं। और ये सब कारीगर लोग कोलकाता से आए हुए हैं। और इधर देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ना ये सब पूरा बीट यहाँ पर रखे गए हैं। और इधर देखिए आपका बीट भी पूरा लगा दिया गया है, देख रहे हैं बीट द्वारा पूरा फ्रेमिंग किया जा रहा है। और आपका देखिए ऊपर भी फ्रेमिंग कर दिया गया बीट का, देख रहे हैं ना ये सब आपका पूरा फ्रेमिंग किया गया है। और उधर भी देखिए वहाँ पर भी, और देखिए इस पंडाल को भी पूरा वाटर प्रूफ तिरपाल से सेपरेट किया गया है। और यहाँ पर भी देखिए आपका दोस्तों, और सामने ही देखिए आपका मंच होता है, इसी जगह माँ दुर्गा की प्रतिमा बैठती है। देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी संख्या में यहाँ पर बीट गिरा हुआ है और इन्हीं बीट द्वारा पूरा डिजाइन को बनाया जाएगा, देख रहे हैं। और इसी जगह आपका मंच होता है, इसी जगह माँ दुर्गा की जो कि इलेक्ट्रिक शो पूरा चलता है, 5 मिनट 6 मिनट का यहाँ पर शो दिखाया जाता है। और देखिए निकासी के लिए दो गेट है, एक गेट इधर होता है और एक गेट आपका इधर है, इधर से जो कि भीड़ को छोड़ा जाता है, देख रहे हैं ना यहाँ पर काम काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है। और देखिए डे नाइट दोनों काम चल रहा है, ये नाइट के लिए ऊपर देख रहे हैं ना यहाँ पर लाइटों लगाए गए हैं। देखिए दोस्तों ज़बरदस्त कार्य चल रहा है। और देखिए अभी यहाँ पर कपड़ा का कार्य नहीं चल रहा है, अभी खाली यहाँ पर बीट का कार्य चल रहा है। जैसे ही बीट का कार्य खत्म होगा तो यहाँ कपड़ा का भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा, कपड़ा द्वारा पूरा कामाख्या देवी मंदिर का पूरा डिजाइन बनाया जाएगा, देख रहे हैं। और ऊपर भी देखिए दोस्तों पूरा आपका, देख रहे हैं ना
बीट का कार्य चल रहा है। देखिए दोस्तों, देख रहे पूरा दम बाज बल्ली द्वारा पूरा जाल बना दिया गया है और काफी मजबूती से पंडाल को बनाया जाता है रस्सी द्वारा बनकर। देख रहे हैं यहाँ पे भी, देखिए देखिए दोस्तों, ये बड़ा सी फ्रेम पूरा तैयार किया जा रहा है। ताइयो हम लोग बाहर से भी आपको पंडाल का नजारा दिखाता हूँ। देख रहे हैं और देखिए दोस्तों, भीड़ को इसी जगह से पीछे से छोड़ा जाता है और इसी जगह आपका पूरा मंच बनाया जाता है। अभी देखिए पूरा यहाँ पर अभी मंच नहीं बन रहा है, अभी खाली अंदर पंडाल का ही कार्य चल रहा है और अगले हफ्ते से यहाँ पर मंच का भी कार्य शुरू हो जाएगा। पूरा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सिस्टम बैठता है ना, उसका भी पूरा यहाँ पर सेटिंग शुरू कर दिया जाएगा। देख रहे हैं और भीड़ को इसी जगह से बाहर छोड़ा जाता है। यहाँ से देखिए दोस्तों, देख रहे हैं पूरा आपका बाज बल्ली का काम जो कि हो गया है, अब बीट का कार्य चल रहा है अंदर। और देख रहे हैं अभी ये जो रास्ता खाली है ना, नवरात्र में यहाँ पर जबरदस्त एकदम पैर रखने लायक जगह नहीं रहता, भीड़ रहता है जबरदस्त। और देखिए इधर से देखिए, देख रहे हैं और देखिए सीधे से भीड़ को छोड़ा जाता है, क्योंकि इधर से नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि इधर से एंट्री है और एग्जिट आपका इधर से बनाया जाता है पूरा। और यहाँ पर जबरदस्त लाइन लगा रहता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय दीजिए, हर हर महादेव।